30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या की गई, उसके बाद जैसे जैसे समाचार लोगों तक पहुंचने लगे, पूरी दुनिया शोकमग्न हो गई। हर व्यक्ति ने अपने अनुसार इस हत्या पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ब्राज़ील की कवियत्री सिसिलिया मेरलीज ने एक लंबी कविता के माध्यम से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस कविता का एक पंक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मारा गया वह दुआ देता लोगों को, मारा गया वह दुआ देता लोगों को। अब सुनिए यह पूरी कविता। मायावनियों के नीले मोहक स्वर पर फैला कर उड़ जाने वाले वे घोड़े, अंतर्मन के वे सारे सुंदर स्वप्न सुमन जो सबके सब यहाँ पहुँच कर मुरझा गए हैं, त्यागती हूँ उन सबको, उन सबका प्रत्याख्यान करती हूँ। कोने कोने में उड़ उड़ कर पहुँच रही है ये खबर, मारा गया वह दुआ देता लोगों को। आह, संघर्ष के वे दिन, घर घर में गरगराते हुए वे चरखे, चुनरे रेशमी परिवेश में छोटे से हारमोनियम पर वंदे मातरम, दार्जिलिंग की चाय में सफ़ेद गुलाब की महक, मानव बर्बर पशु भी होता है क्या? क्या चाहता था वह व्यक्ति, क्यों आया था वह इस संसार में? सुनो तो, मैं उस दिव्य कुंभकार के हाथों गढ़ा मिट्टी का छोटा सा पात्र हूँ और कुछ नहीं। जब उसे न रहेगी मेरी और आवश्यकता, तब गिर कर चूर चूर हो जाने देगा। उसने तुम्हें गिर जाने दिया एक बारगी, अचानक भीतर खून की कुछ और बूंदें बाकी थी, तुम्हारा हृदय अभी सूखा नहीं था। ओ पराक्रमी प्रिय, पवित्र शब्दों के बीच चादर में लिपटे हुए ओ नन्हे पर अतिशय विकसित पुष्प, सांझ की हवा भारत और ब्राज़ील के बीच कहती चली जाती है और वह थकते ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है अहिंसा। सब अपनी जेबों में धुआं उगलती बंदूकें रखे हैं। सचमुच तुम अकेले थे जिसके पास न बंदूक थी, न जेब थी, न एक भी असत्य। तुम निरस्त्र थे, सर्वदा निरस्त्र, अपनी एक एक नस तक निरस्त्र। बीते हुए और आने वाले दोनों कल से मुक्त। वह सांझ 5 बजे की हवा तुम्हारा संपूर्ण जीवन और मेरे जीवन का उत्तमांश लेकर चली जाती है। भारत की नारियां आहों की गठरियां बनी झुकी हुई है। तुम्हारी चीता जल रही है, जमुना तुम्हारी मुट्ठी भर राख को गंगा तक ले जाएगी। गंगा जल उसे स्नेह से चूमेगा और सूरज उसे जल से उठाकर पहुंचा देगा ईश्वर के असीम हाथों तक। ईश्वर से तुम क्या कहोगे? उन व्यक्तियों के बारे में जिनसे तुम मिले थे, शायद एक छोटी सी बकरी जगा देगी सुकोमल स्मृतियों का, जगा देगी सुकोमल स्मृतियों को। समाचार पत्रों के शीर्षक हवाओं में थर थराते हैं, हर जगह पागलपन और लिप्सा की तेज आवाजें। संत शांति के साथ प्राण त्याग देते हैं अपने हत्यारों को आशीर्वाद देते हुए। संगति समन्वय का अंतिम स्वर आकाश की चिरंतन शांति में लौट जाता है। वह महात्मा जो हमें, जो तुम्हें, जो सबको प्यार करता था, सौंदर्य और शोर का एक उत्सर्ग मेरी अंजूरी से रिश्ता जा रहा है। मेरे और तुम्हारे बीच वो कौन सी मानस तरंगे थी कि मेरा रक्त आंदोलित हो उठा है, क्योंकि तुम्हारा रक्त बहाया गया है। ईश्वर तुमसे कहेगा, मानव
बर्बर होते हैं मेरे बेटे। ईश्वर तुमसे कहेगा, मानव बर्बर होते हैं मेरे बेटे, हमने बहुत कर लिया, आओ अब इन्हें खुला छोड़ दें, आओ मेरे नीले महल, इनकी भ्रांतियों का भयानक युद्ध देखो। वह महात्मा प्रार्थना में झुकता है, मेरे पिता इन्हें माफ कर दे, इन्हें नहीं मालूम इन्होंने क्या किया है। परमात्मा इस परिचित स्वर से चौंक उठता है, उसके भीतर जीसस पीरा उठता है।